नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे जेबीएम ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में। आज के दिन जो है ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है और ऑर्डर लेकर ये अपडेट है, तो इस वजह से स्टॉक में देखिए 2.5% का शानदार मूवमेंट लेकर क्लोजिंग दिया है। तो ये ऑर्डर कहाँ से आ रहा है? तो ये ऑर्डर जो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है ऑर्डर, और 113 बसेस का ऑर्डर है। और ये सभी बसेस जो रहेंगे ईवी से रहेंगे, जीरो इमिशन से बसेस रहेंगे, जिसका ऑर्डर जो है ना गवर्नमेंट अशोक लेलैंड के साथ साथ जेबीएम ऑटो को देने जा रही है। मतलब ये दोनों में से किसी एक को भी मिल सकता है या दोनों को 50-50 मिल सकता है, इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मगर एक बस की कीमत जो रहेगा 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में रहेगा, जिस वजह से दोनों स्टॉक में आज का दिन शानदार रैली देखने को मिला है। धीरे धीरे अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये ऑर्डर जो है ना 6 महीने के अंदर जो है ना फाइनल होगा, किसको मिल सकता है, तो इस वजह से स्टॉक में रैली मिल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो फिलहाल तो देखिए जेबीएम ऑटो का टेक्निकल काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी दिया है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी दिया है। तो अभी हमारे पास 2201 अच्छा मजबूत सपोर्ट लेवल है, और पहला टारगेट रहेगा 2300 रुपये का, दूसरा टारगेट रहेगा 2400 रुपया। और अगर ये बाई चांस अगर 2200 को ब्रेक करता है, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ना 6 महीने के बाद में रहेगा, जब ट्रायल फाइनल हो जाएगा, ट्रायल में कौन जीतता है बराबर ना, तब ये ऑर्डर मिलेगा। तब तक जो है ना इसमें मूवमेंट जो है टेक्निकल के हिसाब से देखना चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से 2200 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जो कि 2100 करेगा। और अगर ये यहाँ से ही जब तक होल्ड करता है तब तक इसमें मूवमेंट अपसाइड का रहेगा, तो 2300 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 2400 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। तो सारे कंडीशन मैंने आपको बताए हैं। चैनल परिवार आए तो सब्सक्राइब करके जाना, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जय हिंद।